नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। किस तरीके से जितनी भी चौकियां हैं, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे वो रिहायशी इलाके हों, पाकिस्तान उनमें मोर्टार से शेलिंग कर रहा है। और कितनी ऐसी माएं हैं जिन्होंने बॉर्डर पर अपने बच्चों को खो दिया है, और उन माओं की ममता आज भी चीख चीख कर कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकतें थम नहीं रही है। पाकिस्तान दिन पे दिन लगातार साजिशें रच रहा है। आपको बता दें कि चंद एक हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में जो फायरिंग हुई थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर के कछुआ हीरा नगर के अंदर फायरिंग हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि पाकिस्तान चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर तरफ कश्मीर की राग अलाप लेता है। हर तरफ वो कश्मीर की राग अलापने लगता है। कहीं बात हो रही है कोरोना की तो वो अपने कश्मीर की ही राग अलापने लगता है। और मैं भी पाकिस्तान से यही कहना चाहती हूँ कि इस विपत्ति की परिस्थिति में उसे पूरे देश का साथ देना चाहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को इतनी फुर्सत है, इतनी आसानी से वो ये सब कर कैसे सकते हैं। उनसे अपना देश तो नहीं संभल रहा है, बल्कि लगातार वो बॉर्डर पर सीज फायरिंग कर रहे हैं, लगातार वो सीज फायरिंग की साजिश रच रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के भी मन में ये सब कुछ होने के बाद ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इस समय में पाकिस्तान पर पूरे विश्व की नज़र है, लेकिन पाकिस्तान के मन में ज़रा सा भी डर नहीं है। वो साजिश रच रहे हैं हमारे खिलाफ, वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यहाँ तक कि जिस कश्मीर को वो अपना होने का दावा करते हैं, सीधे सीधे उस कश्मीर को ही निशाने पर ले रहे हैं, उस कश्मीर पर ही फायरिंग की साजिश रच रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आखिर ऐसे कब तक होगा? ऐसे ही अहम मुद्दों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ऐसे मुश्किल घड़ी में उन लोगों की तरह हमें साजिश नहीं रचनी है, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना है। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।